faintly. यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इटाची कुन वर्सेस सास्के कुन। देखते बड़े हैं दोनों भाई, क्या करेक्टर्स पिक करते हैं। बड़े भाई मेरे वर्सेस साथ है छोटे भाई। कमेंट्री में साहिल, जिनकी चैनल पे स्ट्रीम हो रहा है। और यहाँ पे बड़े भाई नहीं सॉरी, यहाँ पे बाप और बेटे में मैच होने वाला है। सास्के कुन ने लग रहा है जिन की प्रैक्टिस करी है इधर रिसेंटली खूब, वो काफी कॉन्फिडेंट है जिन को लेके। और इटाची कुन ने हल्के में लेके कजुआ ले आए हैं। देखते हैं किसकी हिल स्वीप किसको लेती है। और यहाँ पे स्टार्टिंग ही इलेक्ट्रिक के साथ सास्के कुन ने। और यहाँ पे डक, बहुत अच्छा डक कॉम्बो, पूरी कॉम्बो मिलेगी। वॉल प्रेशर देखते हैं है कि नहीं है। और यहाँ पे नहीं मिली वॉल का कोई। यहाँ पे दोनों डिस्टेंस बनाते हुए काजुया यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं कर पाए। और क्या ये गेम परफेक्ट जा रहा है। एंड सेवन गोल्डन लेटर्स। राउंड टू, और ये सेकंड राउंड शुरू हो चुका है। और जिनने स्टार्टिंग में ही वन टू मार के लॉन्च कर दिया है काजुया को, और ये स्क्रू करके बॉल तक लेके जाएंगे। बॉल एंडर नहीं मार पाए। और ये है शूट ब्लॉक हुई है। बहुत अच्छा प्रदर्शन सास्के कुन के द्वारा। साहिल आपको क्या लग रहा है काजुया क्यों इतना वीक लग रहा है जिनके सामने? इताची कुन वैसे ज्यादा काजुया से खेलते नहीं है, इसलिए उनको अभी समझ नहीं आ रहा है। वो प्रॉपर पनिश नहीं कर रहे हैं, वो बस वेव डैश मार के हेल्थ मिक्सअप्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो खुद कंफ्यूज होता है बंदा कि वो क्या मारे उस। क्योंकि काजुया एक ऐसा प्लेयर है, क्योंकि उसके पास 50-50 मिक्सअप जो है उसका, उस पर मारने वाला भी कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसको रिस्क लेना पड़ता है उस 50-50 में, हेल्थ स्वीप मारे या नहीं मारे। हर 50-50 या तो उसको बहुत अच्छा एडवांटेज देने वाले है या उसको बहुत नेगेटिव पड़ गए। हाँ, तो बंदे को यूज टू होना पड़ता है काजुया उठाने से पहले। और आशीष भाई सास्के को हल्के में लेके उन्होंने अब ये उठाया है, वो बचपन के लिए खेल रहे हैं अब इस टाइम। लेकिन लेकिन मुझे लगता है साहिल यहाँ पे इटाची कुन अपने बेस गेम पे आने लग गए, फंडामेंटल्स यूज कर रहे हैं, साइड स्टेप कर रहे हैं, विप बना रहे हैं, और सडनली सास्के कुन के मूव्स काम नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे ग्रैब मारी गई है, जिसके लिए नॉर्मली सास्के कुन कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन वो खुद उस पर बहुत यूज करते हैं। और इस मैच में इतने डक करके लॉन्च करे हैं इन्होंने इताची कुन को। और ये पहली ये पहला मैच गेम है डक एंड लॉन्च, पहला मैच सास्के कुन के नाम। और ये दूसरा मैच देखते हैं इताची कुन बराबर कर पाते हैं या नहीं।
इटाची को उनको सॉल्ट तो मिला है, हो सकता है कजुया ही ले वो। जरूरी नहीं है, वो चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि पहले वो मजाक में ले रहे हैं लेकिन सास्के ने प्रूव किया है कि वो अच्छा खेलता है। वो अच्छा खेलता है वैसे भी, ऐसी बात नहीं है, पर इटाची कुन कभी कभार उन्हें हल्के में ले लेते हैं। उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। देखते हैं इस बार सास्के कुन जिन पे रहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है वो रहेंगे क्योंकि उन्होंने जिन नया कैरेक्टर उठाया और उस पे स्टिक कर रहे हैं। वो और चाहते थे देखने कि वाली उनका बात, एक साइड कैरेक्टर हो, वो सिर्फ लिली हाँ नहीं पॉकेट खेलना कैरेक्टर। चाहते। हाँ और वो इटाची कुन देखते हैं उनको फिर भी हल्के में लेते हैं कि नहीं आगे भी, या तो बदला लेंगे कजुया से अपना बेस गेम दिखा के। और क्या रहा दूसरे स्टक है कैरेक्टर? क्या? नहीं, चलो ठीक है, हमारे में दिखा नहीं रहा ना, फाइट इन प्रोग्रेस दिखा रहा। मैच हाँ स्टार्ट तो नहीं हुआ? हो मैच गया, स्टार्ट हो गया। ओहो, ये शायद कुछ टेक्निकल इशू हो गया है। उधर फाइट स्टार्ट हो चुकी है लेकिन हमको दिख नहीं रही है। आई थिंक अब हमको नेक्स्ट मैच ही देखने को मिलेगा। बहुत बुरा हुआ। अफसोस, हम ये मैच देख नहीं पाएंगे। स्ट्रीम चल रही होगी, स्ट्रीम पे चेक कर सकते हैं। स्ट्रीम? कौन सी स्ट्रीम? ये स्ट्रीम ही तो है, मेरे को भी नहीं दिख रहा हाँ ना। मैं उनके चैनल में पूछ कर आया, वो खेल रहे हैं अभी। अच्छा, तो उनको बोल दो डिस्कॉर्ड पे वो कर दें, लाइव कर दें। हाँ, पर फिर भी इस पे नहीं दिखेगा, स्ट्रीम पे नहीं दिखेगा। अच्छा हाँ, चलो तब तक वेट ही कर लेते हैं, मैं अपना अब वो देख लेता हूँ। वेट ही करते हैं। मैं बी राइट बैक पे जा रहा हूँ, जैसे ही अगला मैच शुरू होगा हम वापस ऑनलाइन आ जाएंगे फाइनल रिजल्ट्स के साथ।
और वो वाला मैच जो हम स्ट्रीम नहीं कर पाए थे वो सास्के हार गए हैं, इताची अब जीत चुके हैं। तो यहाँ पे स्कोर 1-1 है, और मुझे लग रहा है इटाची कुन ने कजुया लेके ही चिन को हराया है, उन्होंने सॉल्ट वापस दिया है सास्के को। अगर तुम्हारे सब्जी में नमक कम है तो यहाँ पे तुम्हें बहुत मिलेगा। बिखरा ही बिखरा और ये मैच है हैमर हेड, देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है, वॉल कैरी करने के लिए बहुत ही बड़ी कॉम्बो मारनी पड़ती है अगर तुम्हें पूरी वॉल चाहिए। तो इस मामले में जिन के लिए आसान है वॉल तक पहुंचाना, और ये मैच की लेकिन शुरुआत दोनों इलेक्ट्रिक कर लेकिन रहे हैं। अगर आप लेंथ वाइज करो तो आपको लंबी कॉम्बो मारनी होती है, हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या इस पे बहुत ही लंबी कॉम्बो मारनी पड़ती है, लेकिन और जिन अगर को आप नया मूव जो मिला है सीजन 3 में हाँ उसके लिए हाँ थोड़ा वॉल तक पहुंचाना आसान है, कजुया के लिए भी आसान है, लेकिन देखते हैं इताची कुन इतना यूज टू है नहीं कजुया के, वो सिर्फ फंडामेंटल से अभी जीत रहे हैं। लेकिन आप अगर विड्थ वाइज कॉम्बो चलाएंगे तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं वॉल तक। लेंथ वाइज चलाने में लंबी कॉम्बो चलानी पड़ती है, सिंस टेकन इज 3D जोन पे सब चल देख के चलना पड़ता है। और यहाँ पे फिर से लॉन्चर, देखते हैं वॉल तक पहुंच पाते हैं या नहीं, और ये पहुंच गए। अंडर भी करा है लेकिन वॉल पे प्रेशर नहीं है, एंड ग्रैब छुड़ाने छुड़ा छुड़ा ली गई है। और ये डाउन फॉरवर्ड 1-4, और और ये यहाँ पे काउंटर हिट परफेक्ट मिल गया लॉन्चर, लेकिन वो कॉम्बो नहीं उठा पाए, उन्होंने इलेक्ट्रिक मारने की कोशिश करी थी लेकिन उनका डाउन फॉरवर्ड 2 निकल गया, और यहाँ पे और रेजार्ट ये आ भी गया, रेजार्ट, ड्रॉप और हो ये गई मैच है। खत्म। लग रहा था कि उन्होंने मिस इनपुट किया है रादर देन उन्होंने प्रेशर में दबाया है, सासकी कुन बहुत पेशेंटली खेलते हुए, और ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक आया और था यहाँ पर पे वो डक पनिश लॉन्च नहीं कर इनका पाए। सिग्नेचर मूव सासके कुन का। सास्के कुन की बैकबोन मैच में यही रहती है कि वो सिर्फ डक करके लॉन्च कर देते हैं, और यह स्वीप ब्लॉक हो गए जिस वजह से उनको लॉन्च मिल गया, लेकिन काजुया से इनका ज्यादा फेमिलैरिटी नहीं है तो इनसे कॉम्बो ड्रॉप हो गई। यहाँ पे और बढ़िया इलेक्ट्रिक लेकिन कन्वर्ट नहीं करा है, और यहाँ पोक बेस गेम खेला है सासके कुन ने और मैच निकाल लिया। राउंड 4 फाइट, और सास्के कुन मैच पॉइंट पर आ गए हैं, और और ये डक फिर लॉन्च से पे डक लॉन्च सिग्नेचर करा, मूव अगेन, ये वॉल मिलेगी नहीं मिल पाई वॉल, क्योंकि इस बार वो लेंथ पे थे जो कि सबसे ज्यादा है स्टेज की। लगता है इताची कुन ने रीड कर लिया है कि वो कब डक कर रहे हैं, वो उसी टाइम डाउन फॉरवर्ड 1-4 मारते हैं, क्योंकि काजुया के डाउन फॉरवर्ड 1 इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि वो 15 फ्रेम में निकलती है बाकी के कंपेयर करें तो, जो कि 13 फ्रेम होती है एवरेज। यहाँ पे फिर से लॉन्चर मिला है सासके कुन को, वॉल और ये वॉल मिला है, मिला वॉल है, देखते हैं एंटर करा ओकी है पे। लेकिन प्रेशर नहीं बना पाए, और और ड्राइव मार दी गई अरे है। अगर ये पूरी मार देते तो उन्हें वॉल स्प्लैट मिल जाता, हल्का सा चिप डैमेज और मिल जाता, प्रेशर मिल जाता, लेकिन उन्होंने ऐसे ही राउंड खत्म कर दिया तो फिलहाल सास्के कुन लीड लेते हुए, एक इटाची राउंड कुन के। देखते हैं फिर कजुया पे टिके रहेंगे कि नेक्स्ट पे जाएंगे। अगर नेक्स्ट पे जाते हैं तो उनके पास ऑप्शन है आर्मर किंग, लॉ, शाहीन और निगन। किंग किंग भी है उनका मेन किंग जो वो है लेकिन किंग उठाते नहीं है निकालते नहीं है आजकल। ऑनलाइन में, ऑनलाइन में नहीं निकालते हैं। देखते हैं अब इताची कुन वापस कम बैक करते हैं या नहीं, स्कोर की बराबरी होती है या नहीं ये देखना पड़ेगा। देखने में आ रहा है कि सासके कुन ने जिन पे बहुत मेहनत करी है, काफ़ी कुछ वो जिन का चला ले रहे हैं और उनके इलेक्ट्रिक्स हर बार काम करते ही हैं। कंपैरेटिवली इताची कुन के इलेक्ट्रिक्स बाहर नहीं आ रही हैं। उनके नॉर्मल इलेक्ट्रिक्स बाहर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सास्के को उन इलेक्ट्रिक्स को पनिश नहीं कर रहे, क्योंकि वो एटलीस्ट ऑनलाइन तो तुम उन्हें 10 फ्रेम से पनिश कर ही सकते हो। और वहाँ पे वो सासके कुन अपना सिग्नेचर मूव भी मार सकते हैं इवन डक लॉन्च, लेकिन वो क्यों नहीं करते हैं पता नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रिक वैसे इताची कुन देखा जाए तो अपनी वेव डैश में वो मिड मिक्सअप मार नहीं रहे हैं, तो बंद उनका सास्के कुन का ये कोई मतलब नहीं बनता कि वेव डैश देखते ही डक ना मारे, डक लॉन्च उनका बहुत ज्यादा काम आएगा क्योंकि उनके 50-50 में सिर्फ हाई और लो ही है और दोनों का इलाज सिर्फ डक ही है। और ये कजुया पे बने रहे हैं,
इस बार साइड चेंज हुई है। पर इन्फिनिट स्टेज आया है यहाँ पे, तो कोई भी वॉल डैमेज, वॉल प्रेशर, कोई सब कुछ हट चुका है। अब सिर्फ बात रह गई है बेसिक्स पे, स्पेसिंग पे, पनिश पे। और स्पेसिंग का देखा जाए तो जिन का न्यूट्रल गेम बहुत ही अच्छा है, कजुया का भी न्यूट्रल गेम बहुत अच्छा है, लेकिन जिन का जो फॉरवर्ड फोर कीप आउट मूव है वो बहुत काम का है, जिसका उपयोग सास्केगुन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वो उसकी जगह सिर्फ डक लॉन्च का यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग के याद दिलाते ही ऐसा लग रहा है इटाची को इलेक्ट्रिक्स याद आ गई है, उनके इलेक्ट्रिक्स बाहर आई हैं बहुत देर बाद। और देखते हैं जिन रेज में है, और जिनकी रेज ड्राइव वैसे ही बहुत खतरनाक है, और ये बोलते ही आ गई, लेकिन रेज का जवाब रेज से दिया गया है और ये सास्केगुन का राउंड गया। बहुत दूर से रेस ड्राइव चला दी गई थी, थोड़ा सा पास से करते तो उनके प्रेशर बना रहता। जिनकी यही वीकनेस है, जिनकी सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि उसकी रेस ड्राइव जो है वो दो हिट आती ही आती है, तो अगर एक विफ हुई तो बहुत खतरे में पड़ जाता है जिन। और ये पूरा पोकिंग गेम चल रहा है, तो इटाची को उनको पोक्स पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए, क्योंकि उनको कंपोज और नहीं पता है, पनिशमेंट नहीं पता है। सास्के भी अभी सिर्फ पोक ही कर रहा है, सास्के सिर्फ पोक पोक करके मजबूर कर रहा है कि कब इताचिकुन कुछ गलत मूव करे और वो उसने डक लॉन्च कर दे। वो पोक कर करके इताचिकुन को पूरा प्रेशर में डाल रहे हैं। यहाँ पे डिफ्लेक्टिव मूव मारा था लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ शो पीस था वो। ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक लेकिन कॉम्बो ड्रॉप कर दी उन्होंने, और ये 10 फ्रेम मूव ऐसे ही मार दिया जो कि बहुत रिस्की है, और ये काउंटर हिट पे कॉम्बो फिर नहीं उठाई। पर फिर लग रहा है इटाची कुन कमबैक करने वाले हैं, फिर से खाए गट पंच, कॉम्बो कन्वर्ट नहीं हो पाया, फिर से इलेक्ट्रिक हुआ। नॉर्मल इलेक्ट्रिक्स मार रहे हैं, आई मीन गॉड फिस्ट। बहुत अच्छा रीड लो के लिए, यहाँ डक लॉन्च काम नहीं हुआ। उन्होंने फिर बहुत अच्छा पनिश किया, वो हेल स्वीप मारी लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं करी हेल स्वीप, बहुत अच्छा इस्तेमाल करा है लेकिन ओहो, इनविंसिबल शोल्डर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था उनका रनिंग। और ये दो दो की बराबरी पे गेम, बहुत बढ़िया कमबैक इटाची कुन के द्वारा। मुझे लगता है साहिल के आगे भी ये कजुया पे ही रहेंगे। हाँ, ये पूरा अब ईडब्ल्यूएफ आ रहे हैं, ईडब्ल्यूजीएफ सॉरी। ये पूरी लड़ाई अब यही लग रहा है कि बाप और बेटे के बीच ही होने वाली है। माफी चाहूंगा, एग्जिट नहीं करा था सेशन। तेरी गंदी हंसी भी आ रही है ये। कमेंटेटर्स आपस में बिकरिंग करते हुए किसकी हंसी गंदी है किसकी सही है। दर्शक हालांकि होंगे नहीं लेकिन उनके लिए फिर भी मनोरंजन का सामान रहे मौजूद। यहाँ पे नमक से लेके हंसी तक सारी बातें होती हैं। मुझे लग रहा है कि फिर से अब साइड स्वैप होने वाली है दोनों की। हाँ, दोनों बहुत करारा खेल रहे हैं अब, कुरकुरे की तरह बिल्कुल करारा। इटाची कुन अपने बेसिक्स को शोकेस करते हुए, सास्के कुन अपने जिन की प्रैक्टिस शोकेस करते हुए, और अपना डक लॉन्च शो करते हुए जो उनका सिग्नेचर मूव है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सास्के कुन अपना फॉरवर्ड फोर यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, जिनका की मूव वो यूज ही नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं लेकिन फॉरवर्ड फोर तो बिल्कुल ही यूज नहीं कर रहे हैं, जो कि उसका सबसे अच्छा काउंटर हिट कीप आउट मूव है, जिससे वो कैंसिल करके आगे बढ़ सकते हैं स्ट्रिंग्स में, वो लॉन्च उठा सकते हैं उससे, पर वो यूज ही नहीं कर रहे हैं, वो सारा अपना फोकस डक लॉन्च पे दे रहे हैं। शायद शायद मैं भाई की यहाँ पे जरूरत है, जो भी आके उनको रेकमेंड कर रहे हैं वो वाला यूज करने के लिए, क्या पता उनको याद आ जाए इससे। और ये साइड स्विच हो गई तो मैं स्कोरबोर्ड अपडेट कर देता हूँ। और यहाँ पे स्टेज आई है अरीना, जो कि बहुत छोटी स्टेज है, बहुत पैक्ड है, कॉम्बोज एक्सटेंड करने की कोई गुंजाइश नहीं, वॉल प्रेशर इसमें बनाना पड़ेगा, जिसके वॉल प्रेशर ज्यादा अच्छा है उसका गेम निकलेगा। स्टार्टिंग डेक पंच से करते हुए
इलेक्ट्रिक लॉन्च टक लॉन्च कॉम्बो एक्सटेंड हुई है। वॉल प्रेशर देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं, नहीं बनाइए। कज़ुया पर स्पेसिंग में ही लग गए हैं और यहाँ पे ग्रैब छुड़ा ली गई है और बहुत बढ़िया पनिश। देखने वाली बात है कि बाप या बेटा जीतता है। बाप यहाँ पे भी कुछ कर नहीं पा रहा ज्यादा कुछ। इताची कुन को लगता है काजुया से अभी कॉम्बोज मारनी आती नहीं है क्योंकि अभी तक उन्होंने एक भी जगह नहीं उठाई है। उनको कितने लॉन्च मिले हैं उन्होंने सिर्फ उसके बाद बस एक। और ये पहली जगह फाइनली मेरे बोलते ही कमेंटेटर्स की लग रहा है यहाँ पे बात सुनी जा रही है इनडायरेक्टली। और ये एक और लॉन्च मिल गया है और ये बॉल तक जाएगा और ये बॉल एंटर पड़ेगा। अब देखते हैं 50-50 पे क्या मिलता है। हॉप किक थी लेकिन वो रोल करके उन्होंने डॉज कर लिया। साहिल मुझे लगता है कि सास्के कुन को वॉल प्रेशर सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये रिजल्ट पड़ेगी क्योंकि वो ग्रैब कर रहे थे। इटाची कुन के सामने ग्रैब मारने जा रहे हैं। उनको बकायदा पता होना चाहिए कि ग्रैब से छुड़ाना और ग्रैब को पनिश करना इटाची कुन को बहुत अच्छे से आता है। और ये एक और लॉन्च उठा दिया है। ये पक्का दोबारा वॉल तक जाएगा और ये वॉलेंटर। अब देखते हैं ब्रेड एंड बटर में क्या है। वॉल प्रेशर नहीं है बिल्कुल सास्के कुन का। बहुत बार वॉल तक गए हैं लेकिन प्रेशर नहीं बना पाए। इताची कुन हमेशा उठने में थोड़ा सा डिले कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही वॉल कनेक्ट होगी उसके बाद ये कुछ मारेंगे। और ये फिर वॉल और ये इस बार उन्होंने भी वेट किया और इस बार उन्होंने अपने 50-50 को डिले किया जिससे उन्हें लगा। और ये विफ हुआ, इन्होंने पनिश नहीं किया उसको और इलेक्ट्रिक खा रहे हैं। बॉल तक नहीं पहुंचा पाए और ये ग्रैब छुड़वा लिया। और अब ये इलेक्ट्रिक आया, बॉल मिली लेकिन लो वॉल स्प्लैट मिला। और ये फिर से दोनों एक दूसरे का पोक करके फिर वो इताची कुन को मजबूर करते हैं कि वो भी पोक करे और उसी टाइम वो डक करके उन्हें लॉन्च कर देते हैं। स्ट्रैटेजी काफी अच्छी है सास्के कुन की लेकिन और ये गलत रिजल्ट और यहां पे लॉन्च हो गए और ये गेम सास्के कुन मैच ले जाते हुए। गेम बहुत ही शानदार चल रहा है क्योंकि दोनों का एक-एक चल ही जा रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे के प्ले स्टाइल को एक गेम के बाद ही अडैप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे सास्के कुन दिस इज रियलिटी वाला आउट्रो करते हुए लग रहा है टॉन्ट करना चाहते हैं इताची कुन को। वो तो उनके हाथ में नहीं है ना, वो तो बस गेम खुद ही कर देती है। नहीं नहीं बटन दबा के शायद आता है। नहीं आता वे, आता होगा पूछेंगे किसे कंफर्म करेंगे। और बस स्कोर बोर्ड डाउट है, पहले ही स्वैप कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि दोनों की पोजीशन फिर से स्वैप होने वाली है। देखते हैं अभी इनका छठा मैच होने जा रहा है। अगर सास्के कुन ये मैच जीत पाते हैं तो इटाची कुन की इज्जत दांव पे होगी फिर सास्के कुन अपने गेम पॉइंट पर आ जाएंगे, फिर इटाची कुन को लगातार जीतना पड़ेगा। और वहां से सास्के कुन के लिए मेरे ख्याल से मैच निकालना ज्यादा इजी होगा क्योंकि वो कज़ुया को अच्छे से रीड कर ले रहे हैं। खुद भी कज़ुया खेलते हैं लेकिन कज़ुया से इतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं। मेरे ख्याल से इताची कुन को अब अपना कैरेक्टर चेंज करना चाहिए क्योंकि अब भी वो मजे के मूड में ही खेल रहे हैं। सॉल्ट भले मन में होगा लेकिन मजे के लिए खेल रहे हैं क्योंकि उसे कज़ुया मारा जा रहा है बहुत बुरी मौत। अरे इताची कुन अब भी कज़ुया पे अड़े हुए लेकिन इनफिनिट स्टेज लगा रहे हैं वो ताकि उन्हें एटलीस्ट बॉल ना मिले क्योंकि इताची कुन बॉल नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो कज़ुया से खेलते नहीं है। और सास्के पूरी बॉल हर बार ले रहा है तो डैमेज थोड़ा कम करने के लिए इताची कुन ने आई थिंक इनफिनिट स्टेज ऑप्ट करी है। और कज़ुया अभी भी टिके हुए हैं शायद अपने बेसिक्स पे कॉन्फिडेंट कि बेसिक यूज करके जीत जाएंगे वो। और एक कस्टमाइज्ड कज़ुया आया है इस बार, लगता है इसमें थोड़ी शक्तियां होंगी लेकिन अब भी प्रीसेट है आई थिंक। शक्तियां काम नहीं आई क्योंकि इलेक्ट्रिक अब भी नहीं निकला जैकेट लेने के बाद भी इलेक्ट्रिक नहीं आ पा रहा है। और ये दूसरा जिन का लॉन्च है जैसा आप देख सकते हैं। अब जिन का डैमेज काफी कम हो गया है क्योंकि उसे वॉल नहीं मिल रही है। पोक बेस्ड गेम खेला जा रहा है और ये गारंटीड फॉरवर्ड पर। और ये हेल्थ स्वीप मार रहे हैं लेकिन वो पूरी नहीं चला रहे, वो लगता है डेविल जिन की वजह से सोच रहे हैं। वो थोड़ा डेविल जिन खेल के सोच रहे हैं कि खाली हेल्थ स्वीप ही लॉन्च कर देंगे लेकिन वो हेल्थ स्वीप को पोक की तरह यूज कर रहे हैं
पहली बार कोई कजुया ऑनलाइन देखा है जो एलसी पूरे नहीं चला रहा है। और ये कीप आउट बनाते हुए सासके क्वीन, क्योंकि राउंड तो उनको मिल ही रहे हैं। और ये आई हेल्थ स्वीप पूरी, लगता है वो इनपुट चेक कर रहे थे कि हेल्थ स्वीप का बटन क्या है फॉलो अप का। और ये ब्लॉक होते ही पनिश किया उन्होंने, और ये लॉन्च था लेकिन उन्होंने करा नहीं, उन्होंने सिर्फ जैब मारी बहुत बढ़िया फेक करते हुए। और ये फिर से डक लॉन्च की कोशिश नहीं हुआ लेकिन उन्होंने क्वार्टर सर्कल 1 से कॉम्बो एक्सटेंड कर दिया है स्टेप करते हुए, उनको उनकी प्लेस याद दिलाते हुए। और ये वापस लॉन्च और ये काजुया की धुलाई। और ये जैब से स्टार्ट करते हैं लॉन्च पनिश, मारा लेकिन मारा नहीं, उन्होंने पनिश नहीं करा है उसके। फिर से डक लॉन्च सिग्नेचर मूव शोकेस करते हुए, बहुत अच्छी टाइमिंग हो गई है इनकी डक लॉन्च की। उन्हें पता है कि कब इताचिकुन अपनी बारी लेने के लिए जैब दबाएंगे और उसी टाइम पर स्टिल लॉन्च। और ये फिर से वेव डैश वन के साथ उठाते हुए बहुत क्लीन मैच 3-0 से बहुत सासके कुन अपनी लीड बनाते हुए। अब सासके कुन को सिर्फ एक ही मैच चाहिए जीतने के लिए, अब मेरे ख्याल से इताचिकुन को अपना कैरेक्टर चेंज कर ही लेना चाहिए। मुझे लगता है ये अभी भी कजुया पे ही स्टिक करेंगे, वो स्टिक तो कजुया पे ही करेंगे, पर उनको आई थिंक एक मैच के लिए तो चेंज कर लेना चाहिए। अपनी शक्तियों पे भरोसा रख के अभी भी कजिया उठा रहे हैं लेकिन उनकी शक्तियां उनको दगा दे रही हैं, वो बेसिक्स पे भी नहीं कर पा रहे हैं, फंडामेंटल्स यूज करते नहीं हरा पा रहे हैं। क्योंकि सासके प्रेशर करता है और जैसे ही इताचिकुन रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं उन्हें पहले ही पता हो जाता है कि वो रिटेलिएट करेंगे, वो डक करके लॉन्च कर देते हैं। यहां पे ऐसा लग रहा है सासकेकुन ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई है प्रेशर बना के फिर डक लॉन्च की। ये कजुया के साथ यही प्रॉब्लम है कि उसका जो डाउन फॉरवर्ड वन है वो वैसे ही 15 फ्रेम का है, तो मिड पोक अच्छी नहीं है, जो है बैक टू वन वो भी रिस्की है उनके पास, आई मीन बैक वन टू। यहाँ कमेंटेटर्स तो इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पता नहीं इटाचिकुन उनको पता भी है कि नहीं मिड में क्या मारना है नहीं मारना है, देखा देखने वाली बात होगी कि लास्ट राउंड के लिए क्या उठाते हैं। और आई थिंक कजुया ही होगा, और वहाँ सासके कुन हंस रहे होंगे बैठ के मनी मन, बदला क्योंकि लिया जा रहा है अच्छे से, क्लीन मैचेस निकाल के बदला लिया जा रहा है, जो चाहे वो मार दे रहे हैं सासके कुन और देख जा रहे हैं इटाची कुन। हो सकता है ये आखिरी बैटल ही हो। और ये केव ऑफ एनलाइटमेंट और इटाची कुन कजुया पर हिस्टिक करते हुए, देखते हैं उनके फंडामेंटल्स उनका साथ देते हैं कि नहीं देते हैं। और इस बार केव ऑफ एनलाइटनमेंट तो इस बार सासके कुन को सिर्फ वॉल ब्रेक नहीं फ्लोर ब्रेक भी मिल सकता है, बालकनी ब्रेक भी है इस स्टेज में, भूलने वाली बात नहीं है, ये बालकनी और फ्लोर दोनों है, तो काफी लंबा खींच सकता है मैच अगर सासके कुन चाहे तो। मुझे नहीं लगता है कि ताची कुन ब्रेक कुछ भी कर पाएंगे अपनी हड्डियों के अलावा। और वो उठा रहे हैं लेकिन वो कॉम्बो नहीं मार पा रहे, ऐसा लग रहा है कमेंटेटर की बात सुन ली गई है, इटाची कुन एकदम से अग्रेसिव हो गए हैं। पर लगता है नहीं हुए, उन्होंने फिर लॉन्च कर दिया और ये राउंड का पहले राउंड में हड्डियां टूटते हुए ना बालकनी ब्रेक हुई है और साइड स्टेप करके उड़ाने की कोशिश करी उन्होंने लेकिन फिर लॉन्च पकड़ लिया, फिर वॉल मिलेगी। और अब देखते हैं इस बार उन्होंने बस बैक डैश कर लिया क्योंकि उन्हें पता है उनका वॉल मिक्सअप काम नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया पनिश और होमिंग मूव मारते हुए और ये ग्रैब करते हुए ताकि होमिंग मूव से बालकनी तोड़ेंगे, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी वो है क्या कहते हैं गलतफहमी है। और रेज में देख के कभी भी रेज आउट आ सकती है लेकिन नहीं है भाई। और यहाँ पे मैच फाइनल मैच और ये फाइनल राउंड हो सकता है, ये लो ब्लॉक नहीं करी इजी स्ट्रिंग्स को आराम से ब्लॉक कर सकते हैं, अब लॉन्च की जगह सिर्फ इंस्टेंट वाइल्ड स्टंट ओ लॉन्च पनिशेबल मूव मारा लेकिन उन्होंने सिर्फ 10 फ्रेम हिट ही मारी। और यहाँ पे सासके कुन लीनियंट होते हुए पैरी वैरी सब कर रहे हैं अपने मन से खेल रहे हैं जो खेलना हो खेलते हैं। इताची कुन ऑलमोस्ट बालकनी ब्रेक तक ले आए थे लेकिन अब वो वापस स्टेज के मिडल में आ चुके हैं, आई मीन वो बालकनी से और ये रेज यहां पे रेज आउट पहला मैच इनको मिल गया।
राउंड 4 फाइट। देखने वाली बात थी, सासी कुन थोड़े से लीनिएंट हुए और उनको महंगा पड़ गया, लॉन्च मार दिया। क्लीन मैच, क्लीन मैच हो सकता था उनके लिए, कॉम्बो एक्सटेंड करते हुए वॉल प्रेशर बनाया है। लॉन्च, लॉन्च नहीं मिला और ये फिर से हेल्थ स्वीप सिर्फ पोक की तरह यूज करते हुए तो यहाँ पे डक लॉन्च हो सकते थे और फिर से लॉन्च और यहाँ गेम खत्म है मुझे लग रहा है। बॉल मिलेगी नहीं, लोस बॉल स्प्लैट मिला लेकिन और बहुत बढ़िया नहीं हो पाए और ये सासके दिस इज रियलिटी करते हुए 2 से जीते हुए चलिए कमेंटेटर्स बेअंत और कमेंटेटर साहिल आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद स्ट्रीम अगर आपने देखी हो तो।